हेलो व्यूवर्स, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। वैसे कुछ अच्छा सा इवेंट नहीं आ रहा था, तो आज यार भाई आ चुका है। हम एक कैंपेन खेलने वाले हैं जिसका मतलब इसके अंदर होने वाला है, रोमन रैंक्स होने वाला है इसके अंदर। और चलो यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है और मैं लेकर जाने वाला हूँ रोमन रैंक्स को, क्योंकि यार मेरे पास अभी यार अच्छे अच्छे से सुपर स्टार्स मौजूद हैं जिसको हम लेकर जाएंगे, तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा फाइट करने के अंदर। तो हमारे मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से हमको सिग्नेचर मूव के साथ इसको एंड करना होगा, सिग्नेचर अटैक के साथ इस गेम को एंड करना होगा। तो मैं मेरे मैनेजर को लेकर के जा रहा हूँ और चलो हम लोग गेम को कर देते हैं स्टार्ट, क्योंकि यार गेम जो है कुछ मतलब ऐसी है कि जिसकी वजह से यार मतलब अपने को लगेगा कि गेम गेम है। अभी तक तो गेम गेम नहीं थी बिल्कुल यार, मतलब बेवकूफ़ बनाने के काम चल रहे थे ऐसा लग रहा था। मतलब यार कितने बेवकूफ़ टाइप के इवेंट्स दे रहे थे, कौन कंप्लीट करेगा यार उसको, कौन कंप्लीट करेगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन यार ये जो आया है ना भाई कैंपेन, मस्त मज़ेदार है भाई। तो इपिक खेल रहा हूँ मैं इस वक्त सबसे अप लेवल वाला, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है भाई कि आप लोग का भाई जो है वो बिल्कुल ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो खेलता नहीं है भाई, बिल्कुल अप लेवल की अपने चीज़ खेलते हैं। तो थोड़ा सा मैं दिमाग लगा कर खेलूँगा तो यार होगा, क्योंकि मैं अगर इसको रिवर्सल दूंगा तो मेरी हालत ख़राब करके रख देगा ये, तो अपने रिवर्सल देने वाले नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके पास एडवांटेज है। जब अगर मैं रिवर्सल दूंगा तो हालत ख़राब कर सकता है भाई ये मेरी बहुत ही अच्छे से। तो यार मैनेजर का सपोर्ट रहेगा तो यार बहुत ही अच्छे से हम लोग गेम जीत जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा और मैं पेरी करने की कोशिश करूँगा बार बार, क्योंकि यार ये थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में रह रहा है भाई। मतलब थोड़ी सी मेरी ज़बान जो है वो थोड़ी पैदल हो चुकी है, बहुत लंबे टाइम के बाद भाई वॉइस दे रहा हूँ, तो समझ ही सकते हो वैसे आप लोग। तो मैंने इसके हाथ मरोड़ दिया है और बैक टू वैली सुप्लेक्स दे दिया है हम लोगों ने इसको, और थोड़ा सा इंतज़ार करने की देर है भाइयों। और ये गेम हम लोग बहुत मस्त मस्के की तरह ख़त्म करेंगे यार, क्योंकि ये गेम जो है आसान तो है वैसे, अगर स्ट्रेटजी लगाई जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान गेम है। और थोड़ा सा मैं सो बोर्ड वो बोर्ड भी कर लूँगा अभी, और पेरी का इंतज़ार तो हम लोग हमेशा करना चाहिए यार, क्योंकि पेरी एक ऐसी चीज़ है यार जो हार्ड से हार्ड गेम को मतलब स्मूथली जिताने के लिए हम लोग के लिए मतलब काफ़ी है। तो भाई पेरी करना सीख लो अगर आप लोग को नहीं आता तो। चलो भाइयों, वैसे मैं भी पहले ज़्यादा पेरी नहीं किया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार इसकी वजह से गेम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, तो मैं पेरी नहीं करता था। लेकिन यार बातों में यार थोड़ा सा लोचा हो चुका है, गड़बड़ हो चुकी है, हमारे भाई साहब ने हमारी बिल्कुल हालत ख़राब कर दी, और ऊपर से बोल रहा है कि आवाज़ मत कर यार, क्या बोलता है यार। तो चलो हम लोग ने पिन किक आउट कर दिया है, अभी पिन में से मतलब निकल चुके हैं। और तो भाई सिग्नेचर आ गया भाई स्पीयर, ले भाई अब तू भी चुप रहे, अब बूमा मत पाड़ना यार। एक तो ये हमारी धुलाई करता है, ऊपर से बोलता है यार शांत रहे, आवाज़ मत कर। तो चलो हम लोग जीत चुके हैं इस गेम को, काफ़ी बढ़िया गेम प्ले रहा है भाई मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग को ये गेम प्ले कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।